हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिसिन फॉर टाइम। आज बात करते हैं एसजीपेरिन टैबलेट के बारे में। इसका क्या काम है और क्या इसकी डोज है और किसे नहीं लेनी चाहिए और ये कितने की आती है, जानेंगे इन सभी के बारे में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो बात करते हैं एसजीपेरिन टैबलेट के बारे में। ये एबट कंपनी की आती है और इसका एक 15 टैबलेट का स्ट्रिप आता है, जो कि इस स्ट्रिप की कीमत होती है 117 रुपये। मतलब ये आपको एक टैबलेट 7 से 8 रुपये की मिल जाएगी और ये आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, तो वो होती है पैरासीटामोल 325 mg और डिक्लोफिनेक 50 mg। ये एक कॉम्बिनेशन साल्ट है और बहुत अच्छा काम करती है। बात करते हैं इसके यूजेस की। यह टैबलेट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ग्रुप की दवा है और जो इसका काम होता है वो होता है जैसे किसी के पाँव में मस्कोड़ आ गई हो या नस में खिंचाव हो गया हो या किसी की गर्दन में दर्द या जोड़ों में दर्द हो रहा हो या दांत दर्द हो रहा हो या सर में दर्द हो या किसी को अर्थराइटिस की शिकायत हो, उसमें बहुत दर्द होता है, या माइग्रेन, इसमें आधे सिर में दर्द कहते हैं और यह दर्द कई दिनों तक लगातार रहता है, किसी को कोई चोट लग गई हो और चोट के बाद सूजन आ जाती है तो उसको दूर करने में, या किसी को कोई माइनर सर्जरी हुई हो उसके दर्द सूजन को कम करने में, या किसी को कोई नसों का दर्द होता है नसों की कमज़ोरी के कारण, और भी इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम में डॉक्टर इसे अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग यूज़ में ले सकते हैं। बात करते हैं कैसे काम करती है। ब्रेन से कुछ केमिकल रिएक्शन निकलते हैं जिस कारण बॉडी में सूजन रेडनेस होती है, तो ये टैबलेट जाकर उन रिएक्शन को ब्लॉक करती है जिससे दर्द और सूजन को आराम मिलता है। बात करते इसकी डोज की, तो इसकी एक एडल्ट व्यक्ति दिन में एक एक टैबलेट 2 बार ले सकता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी ली जा सकती है। बात करते इसे कौन नहीं ले सकता। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो वो इसे अल्कोहल के साथ ना ले और प्रेगनेंसी में इसे खुद से नहीं ले, लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले। और जो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसमें ये सेफ़ है, लेकिन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो, या आप लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या जिसकी किडनी या लीवर ख़राब है उसमें लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी दवा हो लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी होता है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, जो इसको टैबलेट को लेने के बाद आपको कुछ नज़र आ सकते हैं, जैसे उल्टी हो सकती है या जी मिचलाना, भूख में कमी, पेट में जलन। ये कुछ अगर आपको नज़र आए तो आप अपने डॉक्टर से बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।